तो देखिए आज हम लोग यहाँ पे सुगम विज्ञान क्लास 8 का, जैसे कि आप सभी को पता ही है, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गौण लैंगिक गुण आज देखेंगे, और ये जो है इसका दो पार्ट, ये एक पार्ट और, ठीक है, बस यही दो पार्ट बनेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वैसे कोशिश करेंगे इसका कल से क्वेश्चन आंसर देख, कल परसों से, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज ये समझना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे गौण लैंगिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपको पता है कि किशोर अवस्था से पहले जो हमारा जननांग है वो अपरिपक्व होता है, ठीक है, तो उसके बाद ही वो परिपक्व होता है और जनन योग बनता है, ठीक है। तो इस दौरान जब किशोरावस्था आता है तो उस दौरान कई बाहरी परिवर्तन होता है, ठीक है, बाह परिवर्तन जिसको बोलेंगे, बालक एवं बालिकाओं में बाह परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं अभी ऐसा दाढ़ी मूंछ सिर्फ लड़कों में होता है, तो ये सब हमारा जो है बाह परिवर्तन हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन है, तो ये बाह परिवर्तन है। तो वैसा परिवर्तन यानी वैसा करैक्टर यानी वैसा गुण जिसको मात्र बाहर से देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि वो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है, मतलब बालक है या फिर बालिका है, तो इसे हम लोग बोलेंगे गौण लैंगिक गुण, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या कि जो लड़का होता है उसमें कौन कौन से, लड़का में कौन कौन से आपका, और जो लड़की होता है, ठीक है, यानी बालक होता है और बालकी होता है, तो ये दोनों में कौन कौन से बाह परिवर्तन होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोची दाढ़ी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो लड़का है उसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे, अगर जो बाह परिवर्तन होता है तो सबसे पहला में आएगा मूछ और दाढ़ी, यानी चेहरे पर बाल आना, तो चेहरे पर बाल आना अर्थात मूछ और दाढ़ी आ जाना, ठीक है। दूसरा में होगा सीने पर बाल आना, ठीक है। तीसरा में आपका हो जाएगा कि उसका जो जो ये बाँह होता है और जो जांग होता है तथा अन्य जो स्थान होता है शरीर का, अन्य स्थान पर जो उसका मसल्स होता है, ठीक है, वो आने लगता है, यानी वो पुष्ट होने लगता है, ठीक है, यानी ये बॉडी सोडी देख रहे हैं वो आने लगता है। तो ये हमारा तीसरा था, और चौथा में अगर हम बात करें तो उसका कछिए बाल आने लगता है। कछिए मतलब जो काक होता है ना, काक तो पता ही आपका, जो काक होता है आर्म पीट होता है, तो इसके इसमें भी बाल आने लगता है। तो ये हुआ, और बाह जननांगों के समीप बाल आने लगता है, ठीक है। बाह जननांगों का मतलब समझते होंगे, वैसे हम फोटो दे देंगे, तो उसके समीप भी बाल आने लगता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बालिका के बारे में, ठीक है, लड़की के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो पहला लक्षण अगर हम बात करें तो इसमें स्तनों का विकास होता है, जो अगर हम लोग लड़का में बोले तो जो छाती बोलते हैं, ठीक है, तो फीमेल में स्तनों का विकास होता है। और दूसरा बोले तो उसका जो नितंब होता है, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं हिप बोलते हैं उसको, ठीक है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे, या फिर इसको और भी बोला जाता है जैसे कुल्हा बोलते हैं, ठीक है, और कुल्हा से जैसे कि आप जो बैठने वाला सीट देखे होंगे, मतलब बैठने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फैलाव होता है उस समय किशोरावस्था में लड़कियों में, चूँकि आपने देखा होगा जो स्कूटी होता है, उस हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो स्कूटी का सीट होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि उसका जो हिप होता है कुल्हा होता है वो उसमें फैलावाने के कारण वो भी चौड़ा होगा, तो इसीलिए होता है, चूँकि आपको पता है स्कूटी जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। तो पहला हमने देखा जो स्तनों का विकास होता है, दूसरा में उसमें नितंब यानी कि हिप यानी कुल्हा का विकास होता है, ठीक है, उसमें फैलाव होता है, और तीसरा अगर बात करें तो उसमें भी कछिए बाल आता है, काक जो होता है वो उसमें भी बाल आता है, और चौथा अगर बात करिए, तीसरा था ना, चौथा अगर बात करें तो उसमें जो बाह जननांग है उसके समीप भी बाल आता है, ठीक है, और उसका जो जांग होता है और जो नितंब होता है, ठीक है, ये सब पर बसा जमाव के कारण उनके जो आप और चेहरा होता है, ठीक है, तो ये सब पर चिकनाहट नज़र आता है। तो ये हुआ, तो ये था लड़का में हमने देखा और लड़की में देखा। तो इससे ये सब जो भी था वो आपका जो भी लक्षण था वो बाहरी लक्षण था, ठीक है, यानी बाहरी परिवर्तन था, बाह परिवर्तन था, जिससे हम लोग देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन लड़का और कौन लड़की है, दोनों में आसानी से फ़र्क पता चल सकता है, ठीक है। और एक बात की ये जो सारी परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि होता है वो हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। तो हम दो हार्मोन होता है, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दो हार्मोन होता है, ये इसको बोलते हैं मेल
हार्मोन इसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन, यानी लड़कों में ये होता है और ये लड़की में होता है, ठीक है। और यही दो हार्मोन होता है जिसके कारण ये जो भी बाह परिवर्तन हमने अभी देखा उसका नियंत्रण यही दोनों करता है, मेल में ये करेगा और फीमेल में ये करेगा। ये वृषण बनाता है, ठीक है, वृषण जो हम लोग टेस्टिस पढ़े थे वो बनाता है, और ये बनाता है अंडाशय वो बनाता है, और ये मेल और ये फीमेल में होता है। ये फीमेल हार्मोन हुआ और ये मेल हार्मोन हुआ, ये दोनों के कारण ये जो भी हमने पढ़ा वो होता है, उसका नियंत्रण यही करता है, ठीक है। और इसका भी कंट्रोल कौन करता है, तो इसका कंट्रोल करता है एक हार्मोन होता है FSH, ठीक है। ये हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ना, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, वो उसके द्वारा ये शराब होता है, ठीक है। और ये दोनों को उत्तेजित करता है, मतलब बनने के लिए, ठीक है। तो ये करता है इसका कंट्रोल, इसको बोलेंगे हम लोग फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, तो ठीक है, इसको बोलते हैं फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। ये क्या करता है कि ये जो हमारा ये टेस्टोस्टेरोन ये वृषण बनाता है, एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय बनाता है, ठीक है। तो ये उसको उत्तेजित करता है, वृषण को अंडाशय को उत्तेजित करता है इसको, इसका स्राव करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि जो हार्मोन होता है आपको पता है, जो हार्मोन होता है वो जहाँ पे बनता है वहाँ पे काम ना करके कहीं दूर काम करता है। तो ये जाता कैसे, तो आप सभी को पिछले चैप्टर में बताया गया था कि ये जो रक्त होता है ना, लिक्विड जो होता है रक्त, रक्त प्रवाह में ये स्रावित होकर जाएगा। तो जैसे ये सब हार्मोन भी जाते हैं उसी प्रकार से ये जो FSH है वो भी उसी प्रकार से स्रावित होकर जाएगा, ठीक है। और वो अपना जो भी काम है वो उसका काम करेगा, ठीक है। तो ये था, और पता चल गया इस दोनों हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है, ये करता है FSH, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है, ये FSH हार्मोन। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अब हम लोग देखेंगे स्त्रियों में जनन अवस्था के बारे में। तो देखिए आपको पता है, हमने पढ़ा था पहले भी कि जो स्त्री होता है, जो बालिका होता है, उसमें प्यूबर्टी यानी कि यौवनारंभ जो होता है वो 10 से 12 वर्ष में होता है, ठीक है। 10 से 12 वर्ष में प्यूबर्टी आती है और इसी समय जनन क्षमता का विकास भी होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में जब इसका जनन क्षमता का विकास होता है, तो इस अवस्था में जो आंतरिक जननांग है उसमें कुछ चक्रीय क्रियाएं होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र, मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे रजोधर्म हो गया, रजोधर्म, और भी जैसे कैसे मासिक धर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे मासिक धर्म, या फिर ऋतु शराब भी इसको बोलते हैं, ऋतु शराब भी बोलते हैं, और भी इसका नाम है मासिक धर्म, राज्यो धर्म बोलते हैं, ऋतु श्राप बोलते हैं, मासिक श्राप बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा ये 28 दिन का पीरियड है, ठीक है, हर 28 दिन में ये होता है, 28 दिन का पीरियड है। और ये चलता कब तक है, तो ये 40 से 50 वर्ष तक ये चलता है, ठीक है, 40 से 50 वर्ष तक चलता है और ये 28 दिन का पीरियड है। तो अभी इसको हम लोग अच्छे समझते हैं पूरा डिटेल्स में। हमने पीछे जो गर्भाशय का फिगर था वो भी हमने ऐसे स्पेशल वीडियो भी उसका बना हुआ है, तो वो देख ले, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा फिगर वगैरह पार के समझेंगे, अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमने बात किया कि यह 28 दिन का पीरियड है, प्रत्येक 28 दिन में ये होगा, ठीक है। और महीने में अगर साल में देखें तो ये 13 बार होगा, ठीक है, चूँकि 28 दिन का होता है, 12 महीना होता है एक साल में, पता है, बट इसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार होगा एक साल में, ठीक है। और ये 40 से 50 वर्ष तक होता है, उसी समय तक ये जनन योग होते हैं, तो उसी समय तक होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पा रहे हैं, आप बढ़िया से अगर देखना है ना तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा गर्भाशय होता है, ये इसको फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये हमारा अंडाशय होता है और ये हमारा गर्भाशय होता है, यहाँ पे योनि, ग्रेप्स, ये सब होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, वैसे हम लोग यहाँ पे समझाने के लिए इसको पा रहे हैं, वैसे फिगर अच्छा नहीं, बट उसको नहीं देखना, ठीक है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि यहाँ पे ये हमारा अंडाशय है, ठीक है, और ये अंडाशय है और ये हमारा यही अंडाणु बनाएंगे, ठीक है। जब ये अंडाणु बनाता है, ठीक है, और ये अंडाणु बनाने के बाद जब बड़ा हो जाता है तो ये यहाँ पे आ जाता है ऊपर, ठीक है, अंडाणु ऊपर आ जाता है। और जो
जो हमारा मेल होता है उसमें शुक्राणु होता है जो कि टेस्टिस बनाता है, आपको पता है, ठीक है। तो वो शुक्राणु होता है, जब यहाँ पे यहाँ से शुक्राणु आता है, ठीक है, यहाँ से शुक्राणु आता है तो ये इस ओर भी जाता है और इस ओर भी जाता है, ठीक है। चूँकि इस ओर भी जाएगा और इस तीनों ओर जाएगा, चूँकि ये तो लिक्विड की तरह होता है और ये चूँकि यहाँ पे इसको पता नहीं है कहाँ पे अंडाणु बना है कहाँ पे नहीं बना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बना है, इधर भी बनता है, जैसे 28 दिन पे इस महीने में इधर बना तो अगले महीने में उधर बनेगा, ठीक है, और फिर उधर बना तो इधर बने, इस प्रकार से चलता है। और जब ये यहाँ पर आया शुक्राणु, यहाँ पे आया, अंडाणु कहीं पे नहीं जाता, वो वहीं पे रहेगा। चूँकि आपको पता है कि जो शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु हमने इस प्रकार से देखा था, उसका जो पूछ होता है, ठीक है, हमने देखा था ना, उसको पूछ होता है, तो इस पूछ के सहायता से ये मूवमेंट कर सकता है, तो ये तो चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये यहीं पर रहेगा, और जब शुक्राणु आता है यहाँ पर तो यहाँ पर मिलकर निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद यहाँ पर आएगा, जो भ्रूण होगा वो यहाँ पर आएगा और इस प्रकार से आपका एक शिशु का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसमें मासिक चक्र कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारे पास अंडाशय है ये कैसे परिपक्व होता है। तो हम लोग पढ़ा था, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे जो हार्मोन स्रावित होता है वही इसको परिपक्व बनाता है, ठीक है। और जब ये परिपक्व हो जाता है, तो जब ये अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो इससे जो हमारा हार्मोन निकलता है, हमने पहले बताया था एस्ट्रोजन, यह एस्ट्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये बाहर निकलने के बाद यहाँ से जो हार्मोन निकलेगा वो जब ये परिपक्व हो जाएगा तब, ठीक है, परिपक्व होने के बाद जो एस्ट्रोजन होगा वो निकलेगा और आएगा गर्भाशय के पास, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कुछ इसमें परिवर्तन लाएगा, तो जैसे गर्भाशय की दीवार रक्त कोशिकाओं तथा ग्रंथियों के द्वारा मोटी हो जाती है, ठीक, क्योंकि विकास के कारण मोटी हो जाती है, चूँकि यहाँ पे शिशु रहेगा, ठीक है। अब शिशु रहेगा तो उसको तो सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए ये मोटा हो जाता है, ठीक है, इसकी जो दीवार होता है मोटा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फिर बाद में टूटकर, और जो अंडाशय है वो अगर निषेचन नहीं हुआ तो वो फिर वहाँ पर इस प्रकार से, जो यहाँ पे मोटा हुआ ना, जो दीवार मोटा हुआ और यहाँ पे आपका निषेचन नहीं हुआ, तो ये सभी मिलकर यहाँ पे आएंगे यहाँ से, और यहाँ पर से कुछ जो भी टूटेंगे टूट टूट कर यहाँ पे इसके सहायता यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और इसी को बोलेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये शिशु के विकास, शिशु को रक्षा के लिए होता है, उसके विकास के लिए होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जब जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है, ठीक है। तो 28 दिन के बीच में, मतलब बीच में बोले तो 14वें दिन में एक जो अंडाशय है उससे एक परिपक्व अंडाणु जो होता है वो बाहर निकलता है, जिसको अंडोत्सर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो ये बाहर निकलता है अगर ये 36 घंटा के भीतर, ठीक है, अगर ये 36 घंटा के भीतर किसी शुक्राणु से अगर ये निषेचित नहीं होता है, तो ये मतलब अगर ये निषेचित नहीं हुआ तो ये 36 घंटा में ये ख़राब हो जाता है, ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। फिर उसके 2 सप्ताह बाद, 14 दिन तो हो गया इधर, ठीक है, फिर उसके 2 सप्ताह दिन यानी कि 28वें दिन, ठीक है, 28वें दिन ये जो है ये और म्यूकस रक्त और जो ये तो जो हमारा दीवार था उससे जो टूटा हुआ कोशिकाएँ था जो भी बना हुआ था वो सारे टूट कर इसके रास्ते बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, सब बाहर, इसी को बोलते हैं हम लोग मासिक चक्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये अंडाणु हो गया, म्यूकस हो गया, गर्भाशय से जो टूटा हुआ कोशिकाएं हो गया, और ये अंडाणु ये तो रह गए, ये सभी श्राप के रूप में बाहर आ जाएंगे, इसी को बोलेंगे मासिक चक्र, कोई दिक्कत। ये जो मासिक चक्र ये 3 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है, इस दिन तक चलता है, और ये ख़त्म होने के बाद फिर से अभी यहाँ पर बना तो अगले महीने इधर बनेगा, उसी प्रकार से जो क्रिया हुआ उसी प्रकार से इधर होगा, ठीक है। तो सब कुछ वही क्रिया होता है, और ये लगभग 40 से 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल होती है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ख़त्म हो जाता है उसमें, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे अंडाणु ही नहीं बनता है तो वो हो गए नहीं है, ठीक है, तो ये सब ख़त्म हो जाता है। जो पहली बार जो मासिक चक्र होता है उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं,
मोनार्क, उसको हम लोग मेनार्क बोलेंगे, ठीक है, जो पहला बार मासिक चक्र होता है शुरुआत में उसको मेनार्क बोलेंगे। तो बस यही सब क्रिया होते रहता है आपका, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी वो वही इस महीने इधर तो उस अगले महीने उधर होगा, इस जैसे जनवरी में इधर हुआ तो फरवरी में इधर होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से होता रहेगा। वैसे अगर निषेचन नहीं होगा तो फिर से वो ऐसे बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर निकलना बंद हो गया इसका मतलब निषेचन हुआ है, निषेचन हुआ है तो वहाँ पर वो शिशु का विकास होगा, इसका मतलब पता चल जाता है। जब वो रक्तस्राव है वो जब बंद हो गया, मतलब मासिक चक्र बंद हो गया, इसका मतलब जो आपका प्रेगनेंसी है वो चालू हो गया, ठीक है। और इसको दवा के द्वारा रोका भी जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे दवाएं आती हैं जिनके द्वारा ये मासिक चक्र को, मतलब इसका जो डेट है उसको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे अगर कल मासिक चक्र होने वाला है सपोज, ठीक है, आओ उसको कोई फीमेल हो उसका इम्पोर्टेंट काम है तो वो दवा खाकर वो उस पीरियड को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। और जब वो संतान उत्पन्न ना कर पा, जब 40 से 50 वर्ष की हो जाती है तो उस स्थिति में वो संतान उत्पन्न तो कर नहीं सकता है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे रजोनी वृत्त, ठीक है, रजोनी वृत्ति बोलेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति को हम लोग रजोनी वृत्ति बोलेंगे। पहला बार जो पीरियड होता है उसको मेनार्क बोलेंगे, और जब 40 से 50 वर्ष की आयु हो जाता है उस समय जनन क्षमता खत्म हो जाता है, यहाँ पे गर्भाशय में जो अंडाणु बनना समाप्त हो जाता है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उसको उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे रजोनी वृत्ति। और ये सब क्लियर हो ही गया होगा वैसे, ठीक है, और हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उस तरीके से अच्छे से और भी इसको गहराई में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो मासिक चक्र है शुरू बार ये अनियमित हो सकता है, ठीक है, तो बाद में ये नियमित हो जाता है, और अगर ज़्यादा दिन तक अनियमित है तो हमें चिकित्सक से यानी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो फीमेल है उनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए इसका कुछ ऐसा भी है ना जो मतलब इसका कुछ ऐसा है कि समाज में अंधविश्वास भी इसके प्रति है, जैसे कि जो जिसका मासिक चक्र होता है, ठीक है, वो भोजन नहीं बना सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकता, ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपका जो धारणा बना हुआ है असत्य जो धारणा बना हुआ है, ठीक है, आपने ऐसा सुना भी होगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका एक पार्ट और बनेगा। आशा करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद जय भारत।